है दोस्तों, आज बात करते हैं IIST की, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड रिसर्च, जिनके JEE एडवांस में कम स्कोर। हाँ जी, अच्छा ये अच्छा ब्रांच एरोस्पेस, चांद, आसमान, इसरो, इलोन मस्क, नासा की याद आती है जिनको सुन के। वैसे तो आज हमारे देश के अंदर चंद्रयान 3 मिशन 14 जुलाई को लॉन्च हो रहा है। खैर, आज बात करेंगे IIST की। आज शुरू से शुरू करते हैं, पहले बात करते हैं कट ऑफ की। भैया कितना कट ऑफ रहेगा इस बार, कितने राउंड जाने वाले हैं, कब तक एडमिशन कंप्लीट हो जाएगा, क्लासेस कब तक लगेगी। वैसे काफी सारे पेरेंट्स के सवाल रहते हैं, भैया ये एरोस्पेस ब्रांच कैसा है। हाँ जी, कहीं ऐसा तो नहीं हो सभी को चांद पर भेज देंगे, एरोस्पेस, इसरो, बॉन्डिंग, क्या सारा सिस्टम है। वैसे आप लोगों को जो है अपनी, हाँ जिनको लोड नहीं हुआ उसके अंदर वेटिंग लिस्ट दिखा रहा होगा जी। मैं आपकी 400 नंबर वेटिंग पे है, तू हाँ तो 500 नंबर वेटिंग पे बच्चे। हाँ जी, तू इस ब्रांच में इतने नंबर वेटिंग पे, इतने नंबर वेटिंग पे। खैर, हम आज रैंक डिस्कस करेंगे, भैया तुम्हारे कितना रैंक होना चाहिए, तुम वेटिंग का लपड़ाई छोड़ो कि इतने रैंक तक हो जाएगा। पहले बात करेंगे जनरल वाले बच्चों के लिए। हाँ जी, अगर आपकी जनरल कैटेगरी है, हाँ जी जनरल कैटेगरी है आपकी, अगर जनरल के अंदर पहले एरोस्पेस की बात करते हैं। हाँ जी, जनरल में आपकी अगर 1000 रैंक है, हाँ जी 1000 रैंक आपकी अगर आ रही है जनरल कैटेगरी के अंदर IIST की रैंक, देन आपको एरोस्पेस मिलने के पूरे पूरे चांसेस है। हाहा, उसके बाद अगर आपके EWS में 200 रैंक, OPC में 500 रैंक, हाँ जी, और SC के अंदर ही ऑलमोस्ट 200 के आसपास, हाँ जी 5-10 रैंक कम हो, हाँ जी SC में अगर आपके पास 200 के आसपास रैंक है, और ST वाले बच्चों की रैंक कितनी रहेगी, आप 50 रैंक, हाँ जी 50 के आसपास अगर आपके ST में रैंक है, देन आपको एरोस्पेस मिलने के IIST में पूरे पूरे चांसेस है। हाहा, उसके बाद बात करते हैं एवियोनिक्स इंजीनियरिंग, इसमें कितना कट ऑफ रहेगा भैया। हाँ जी, एवियोनिक्स की भी बात कर लेते हैं। अब कोई बात नहीं, आप जनरल कैटेगरी से हो, आप जनरल से हो 1100 रैंक पकड़ लो आप, हाँ जी 1100 रैंक। EWS कैटेगरी से हैं आप, हाँ जी EWS से हैं, आप कोई बात नहीं 200 के आसपास, 190 से लेके 200 के आसपास आपकी अगर रैंक है EWS में मिलने के पूरे पूरे चांसेस है। वैसे एरोस्पेस में भी इतना ही 200 के आसपास है, लेकिन एरोस्पेस में अब बच्चे काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। क्यों, इसका क्या रीजन है, इसका बहुत बड़ा रीजन है, एविएशन इंडस्ट्री हमारे देश में काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है, पर डे 3000 फ्लाइट्स फ्लाई करती है, ड्रोन टेक्नोलॉजी बढ़ने वाली है, फ्लाइंग कार्स आजकल तुम्हारे बेंगलोर के अंदर उड़ने वाली कारें आ चुकी है भैया। हाँ जी, फ्लाइंग टैक्सी आपने देखी होगी, चाइना वुहान जैसी सिटीज के अंदर अब ड्राइवरलेस टैक्सी लॉन्च कर दी है। हाँ जी, अभी हमारे सड़क के ऊपर ट्रैफिक रूल होते हैं, हाँ जी व्हीकल ट्रैफिक रूल, अब कुछ दिनों के अंदर हमारे ड्रोन ट्रैफिक रूल होंगे भैया, आसमान के अंदर हमारे ड्रोन चला रहे हैं, ड्रोन टैक्सी और पैसेंजर ड्रोन नॉर्मल होगा, उसके लिए अलग अलग रूल बनाए जाएंगे। एरोस्पेस Now is the very growing field in the world. हाँ जी, आप लोगों के बहुत सारे सवाल होते हैं भैया ये एरोस्पेस के लिए IIST में नहीं हो रहा, IIT में नहीं हो रहा, और कौन कौन से अच्छे इंस्टीट्यूट है। वैसे करना तो मेरे को एरोस्पेस ही है, चांद, आसमान, मून, इलोन मस्क, नासा, इसरो में जानना है मेरे को, रिसर्च साइंटिस्ट बनना है, एस्ट्रोनॉमी पढ़नी है मेरे को, हाँ जी मेरे को एरोस्पेस करना है, मेरे को मिसाइल इंजीनियरिंग करनी है, मेरे को सेटेलाइट बनाना है मेरे को। अब वैसे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग क्रेजी सब्जेक्ट है, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये रहता भैया मैं एरोस्पेस करूंगा, मिसाइल बनाऊंगा, चांद पर जाऊंगा, एरोप्लेन बनाऊंगा। हाँ जी, ये आप लोगों को दिमाग में ये नहीं आता भैया एरोप्लेन को ठीक कौन करता है। हाँ जी, ये एरोनॉटिकल इंजीनियर, एरोस्पेस इंजीनियर एरोप्लेन को बना तो देते हैं ये, हाँ जी एरोप्लेन को ठीक कौन करता है। हाँ, एरोप्लेन बनते तो कम है लेकिन खराब ज्यादा होते हैं। हाँ हाँ, अब तो सबसे ज्यादा स्कोप किसमें है, ठीक करने वालों में। हाँ, एरोप्लेन 100 एरोप्लेन बनेंगे एक दिन के अंदर, लेकिन 1000 एरोप्लेन क्या होंगे, खराब होंगे। तो सबसे ज्यादा सैलरी किसमें है, हाँ ठीक करने वालों में। हाँ जी, गाड़ियां कम बनती है, हाँ जी गाड़ियां बनाने वाले कम है लेकिन गाड़ियों को ठीक करने वाले मिस्त्री ज्यादा है, तो कहीं ऐसा क्यों ना हो कि हम एरोप्लेन को ठीक करने वाले बन जाए। हाँ, उसके लिए कौन सा इंजीनियरिंग होता है, उसको बोलते हैं AME इंजीनियरिंग, हाँ जी एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग। अच्छा, इसके लिए कौन सा कोर्स होता है, ये कौन से कॉलेज होते हैं, इसके लिए कौन सा अप्रूवल चाहिए, अब इसके लिए मेरे को कौन सा कोर्स करना पड़ेगा, डोंट वरी। वैसे तो हाउ टू बिकम एविएशन इंजीनियर दुनिया का सबसे अफोर्डेबल काउंसलिंग प्रोग्राम हम आज रन कर रहे हैं, आप लोग जरूर से हमारे बोर्ड लाइन नंबर पे कॉल कर सकते हो भैया। हाँ जी, एरोस्पेस का और कौन सा इंस्टीट्यूट है, हाँ जी IIST जैसा कम फीस में एरोस्पेस इंजीनियर बना दे, एरोनॉटिकल इंजीनियर, AME इंजीनियर, हाँ जी अच्छा प्लेसमेंट हो, R&D अच्छा हो, रिसर्च एंड
डेवलपमेंट हो, इनोवेशन हो, टेक्नोलॉजी हो, लेब हो, हाँ मजा आ जाए एकदम। अब तो उसके लिए हमारा बोर्ड लाइन नंबर दिया है या फिर हमारा एक कोर्स चलता है collegejahankar.com पे, आप उसमें जाके एनरोल कर सकते हो। कंप्लीट जूम पे लाइव सेशन होते हैं हमारे। एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है बच्चों का और पेरेंट्स का फीस को लेके, भैया फीस का लोन मैनेजमेंट कैसे करें, इतना पैसा है नहीं। IIST ISER IIT की बहुत ज्यादा लाखों में फीस है, बैंक बहुत ज्यादा लूटता है भैया हमको। हाँ जी, बैंक की कौन सी स्कीम है, कौन सा लोन स्कीम है, कब जमा करना पड़ेगा, EMI का क्या ऑप्शन है, हमारे लिए सबसे बेस्ट स्कीम कौन सा है। वैसे हमारे पास SBI के बहुत सारे ऑफिसर्स हैं जो कि आपको गाइड करते हैं, आप इस बोर्ड लाइन नंबर पर कॉल कर सकते हो भैया। हाँ जी, कौन सा बेस्ट स्कीम है, अच्छा कौन सा है, हमारे लिए कौन सा अच्छा है। खैर, हमारा मुद्दा है एवियोनिक्स इंजीनियरिंग, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। अब ST के अंदर आपके अगर 50 रैंक है तो भी हो जाएगा। एक हमारा और इंजीनियरिंग बच गया भैया, ड्यूअल डिग्री। हाँ जी, तू बैचलर भी कर ले साथ में मास्टर भी कर ले, हाँ तो उसके लिए कितना रैंक चाहिए। खैर, बात करते हैं जनरल वाले बच्चों की। हाँ, आपके अगर 1400 के आसपास रैंक आ रही है, हाँ जी, अब 10-20 ऊपर नीचे भी हो जाती है, कोई बात नहीं, तुमको मिल जाएगा। और उसके बाद में EWS कैटेगरी आपका, हाँ जी, आप EWS इकोनॉमी वीकर सेक्शन से आते हो, कोई बात नहीं, तुमका भी 200 के आसपास मिल जाएगा। अच्छा, OBC है तुम्हारा, हाँ OBC कैटेगरी से हो तू, कोई बात नहीं, 500 तक तेरे को भी मिल जाएगा। हाँ, OBC कैटेगरी वैसे ऑलमोस्ट सभी के अंदर 450 तक जा रहा है, तीनों के भी ऑलमोस्ट सेम है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। हाँ, क्योंकि सीटें कम है, अप्लाई करने वाले बच्चे ज्यादा है, तो ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं आ रहा, 10-20-30 रैंक का डिफरेंस आ रहा है। अब वैसे इस कैटेगरी में काफी ज्यादा डिफरेंस आ गया। देखो, एरोस्पेस जनरल में 1000 रुपए मिल रहा था, एवियोनिक्स में 1100 तक पहुंच गया, ड्यूअल डिग्री में 1400 तक पहुंच गया है। हाँ जी, उसके बाद में ओबीसी वाले 500 तक मिल रहा है, SC वाले 250 रैंक तक मिल रहा है, और ST वालों को देखो 80 तक पहुंच गया। हाँ जी, एरोस्पेस और एवियोनिक्स में ST 50 नंबर पे था, ड्यूअल डिग्री में 80 नंबर पे पहुंच गया। हाँ जी, आपके भी बहुत सारे सवाल होंगे, भैया मेरे को एरोस्पेस इंजीनियरिंग करना है, मेरे को एरोनॉटिकल करना है, अच्छा कॉलेज कौन सा है जिसके पास एरोप्लेन हो, मिसाइल हो, सैटेलाइट हो, इसरो, नासा, बड़ी बड़ी कंपनीज में जाने का अच्छा मौका मिले हमें, तो आप हमारे बोर्ड लाइन नंबर पर कॉल कर सकते हो। इसके लिए कोई चार्जेज नहीं है स्पेसिफिक, आपका पूरा एक्यूरेट अच्छे कॉलेजों में पूरी आपको गाइड किया जाता है, भैया एरोस्पेस में बेसिकली होता क्या है, पढ़ाया क्या जाता है तुमको, एक्चुअल में 4 साल बाद क्या करोगे, 10 साल बाद क्या करोगे, फ्यूचर में क्या स्कोप है। हाँ जी, अच्छा कौन सा रहेगा, कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल, एरोस्पेस, एरोनॉटिकल, सिविल, इंफ्रा, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, फंडिंग, क्या सारा सीन है, कौन सा स्टेट बेस्ट है। वैसे हाँ जी, वैसे तो साउथ के एरिया में बहुत एरोस्पेस के कॉलेज है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उधर तेलंगाना, और उधर बहुत सारे कॉलेज है, एक है मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बहुत अच्छा कॉलेज है। वैसे IITs भी बहुत अच्छे हमारे देश में, लेकिन हमको तो अदर ऑप्शन चाहिए IIT के अलावा। हाँ, जोसा के अलावा मिलना चाहिए भैया, जोसा के लिए हमारे पास रैंक नहीं है, हमको प्राइवेट में जाना है, हमको लो रैंक कॉलेजों में जाना है। हाँ, उसके लिए हमारा बोर्ड लाइन नंबर दिया है, आप लोग उस पर कॉल कर सकते हो। हाँ।